केवल कुछ छात्र ही अपने भविष्य के लक्ष्यों और सफलता प्राप्त करने के लिए सही विषय का चयन करने के बारे में जानते हैं। इस प्रकार शिक्षा मेला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वे छात्रों को सर्वोत्तम पाठ्यक्रम और करियर चुनने में आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। उच्च माध्यमिक और कॉलेज स्तर पर युवाओं को आकार देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग यूटी लद्दाख ने लद्दाख विश्वविद्यालय और लद्दाख कौशल विकास मिशन के सहयोग से लद्दाख में अब तक का पहला शिक्षा मेला लेह, नुब्रा, कारगिल, जांस्कर, द्रास और संकू में आयोजित किया। We are involving each one of the faculty members as well as the students. इस कैंपस को और वेन्यू को बहुत अच्छा बनाए, अट्रैक्टिव बनाए, ताकि मैक्सिमम बच्चे आए और इससे बेनिफिट ले सके। लद्दाख शिक्षा मेला 2022 का औपचारिक उद्घाटन लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल आर के माथुर द्वारा एक ऑनलाइन समारोह में किया गया। LHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान के साथ साथ अन्य आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों, संकाय सदस्यों और छात्रों ने सरकारी डिग्री कॉलेज कारगिल में ऑनलाइन उद्घाटन सत्र में भाग लिया। More than 3,000 persons were involved in this mega event. It was related to the career options of the students. उनके लिए एक प्लेटफॉर्म इसमें मिला जिसमें स्कॉलरशिप के बारे में नॉलेज था, कौन सा सब्जेक्ट चूज करे उसके बारे में नॉलेज था। 8, 9, 10 के बच्चों को या 11, 12 के जो बच्चे हैं उनको ये करियर काउंसलिंग वाला ये स्टॉल बहुत मुफीद रहा, क्योंकि यहाँ से आफ्टर 12th हमें जो करना है या जो हमारे करियर के रिलेटेड जो भी क्वेरीज थे वो यहाँ पे यानी सॉर्ट आउट कर रहे थे। यहाँ जो है एक्सपीरियंस हमें साल भर में देखने को नहीं मिलते हैं, वो हमने आज यहाँ पे सीखा। शिक्षा मेले के दौरान विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के संसाधन व्यक्तियों द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ साथ छात्रों को विभिन्न कौशल सिखाए गए। अगर हम स्टॉल में देखें तो हमारे लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एप्पल वगैरह, उन सब का जो है इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी हम जो अपनी जो लोकल चीज़ें उनसे भी बिजनेस कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी हम जो है यहाँ पे काम दे सकते हैं। छात्रों को शिक्षित करने और उन्हें भविष्य में सही अकादमिक और करियर विकल्प बनाने के लिए तैयार करने में तकनीकी सत्र बहुत फायदेमंद थे। इन सेमिनारों में छात्रों की शंकाओं को दूर करने के अलावा पैनल डिस्कशन भी शामिल किया गया। सरकारी डिग्री कॉलेज कारगिल, सरकारी डिग्री कॉलेज द्रास, सरकारी डिग्री कॉलेज संकू और सरकारी डिग्री कॉलेज जांस्कर में आयोजित मेले में विभिन्न उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। हम यहाँ पे आए हैं NCC के बारे में यहाँ पे बताने के लिए, तो यहाँ पे एक अच्छा माहौल है, बच्चों को कुछ सीखने के लिए, एडिशनल सीखने के लिए मिल रहा है। छात्रों और संबंधित विभागों ने मेले की विषय पर छात्रवृत्ति, विषय चयन, करियर परामर्श, शिक्षुता और कौशल विकास जैसे विभिन्न स्टालों को प्रदर्शित किया। छात्रों को विभिन्न शिक्षुता अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों ने भी मेले में अपने स्टॉल लगाए। प्राचीन और आधुनिक कौशल दोनों को प्रदर्शित करने के लिए अन्य स्टॉल भी लगाए गए थे। पारंपरिक बुनाई मशीनें, प्राचीन वस्तुएं, पारंपरिक व्यंजन और अन्य कई सामान भी प्रदर्शित किए गए, जिससे छात्रों को उनके बारे में बहुत जानकारी मिली। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेसिफिकली हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। लद्दाख के हिस्ट्री में बच्चों को लेके, करियर को लेके एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज वे में लिया गया है। ऐसे एजुकेशन फेयर्स होने चाहिए हमेशा और हर साल। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, खासकर आजकल के जनरेशन जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।